how to maintain continuity in studies, but no one type ever. How to maintain continuity in watching funny videos, how to maintain continuity in listening songs, how to maintain continuity in playing games. ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा. क्यों नहीं पूछ रहा? ये भी तो एक यू नो पॉइंट ऑफ कंसर्न है. ये सब भी तो मतलब जैसे स्टडीज है वैसे ही बाकी सब चीज़ें भी हैं, पर क्यों हम इस चीज़ को नहीं बार बार पूछ रहे, स्टडीज को ही पूछ रहे? सो इस सवाल को मैंने भी काफ़ी सोचा कि यार ऐसा क्या है कि क्यों हम स्टडीज से नहीं कनेक्ट हो रहे. तो इसके लिए मैंने फिर सहारा लिया एक बुक का, दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. तो ये जो बुक है इसमें पेज नंबर 115 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट. तो क्या स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब कैसे हम अपने आप से यू नो कैसे हम रिजल्ट पा सकें जो हम चाहते हैं. तो इसमें पेज नंबर 116 में कुछ अफर्मेशंस आप कह सकते हो या कुछ लाइंस लिखी गई हैं जो हमारे फेलियर के लिए यू नो इम्पॉर्टेंट है. मतलब हमको अगर फेल अगर हम हो रहे हैं तो उसका कारण हमारी खुद की सोच है. क्या है, हम बार बार जो स्टेटमेंट्स दोहराते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन, जो स्टेटमेंट हम बार बार दोहरा रहे हैं वो क्या है, थिंग्स आर गेटिंग वर्स, आई विल नेवर गेट एन आंसर, आई सी नो वे आउट, इट इज होपलेस, I don't know what to do, I am all mixed up. तो ये जो कुछ सवाल है ये बार बार हम अपने आप से पूछते रहते हैं अपने आप को. हमें लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है. तो अब इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे, इस बुक का जो निचोड़ है उससे मेरे को इस आपके सवाल का आंसर मिला. तो इसीलिए मैं आपसे शेयर भी करूँगी आंसर क्या है दोस्तों. तो आंसर कुछ भी नहीं है, आंसर एक छोटी सी बात है यार. तुम एक बार बताओ, क्या आपको लगता है कि जो टॉपर्स होंगे क्या वो कभी डीमोटिवेट नहीं होते, या वो कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं और तभी एग्जाम को क्रैक करते हैं? क्या वो इतना कंसिस्टेंट रहते हैं, क्या वो कभी डीमोटिवेट नहीं होते? क्या उनकी ज़िंदगी में कभी परेशानियाँ नहीं आती? क्या वो कभी हल्का सा भी डीमोटिवेशन को फील नहीं करते? ऐसा नहीं है, उनको भी परेशानियाँ आती हैं, वो भी डीमोटिवेट होते हैं, वो भी अंधेरे में बैठ के रोते हैं, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी बहुत डर लगता है, पर फिर भी एग्जाम क्रैक करते हैं. क्या कारण है, एग्जाम क्रैक क्या करते हैं, टॉप करते हैं, तो क्या कारण है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या होता है दोस्तों? रियलिटी में कंटिन्यूटी हम तब देखो, क्या हम हमारे फ्रेंड का कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है फिर हम आंसर दे रहे हैं, फिर आ रहा है, फिर हम आंसर दे रहे हैं. क्या हम इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं? ये तो अपने आप ही चलती है ना, ये तो हम कॉन्शियसली सोचते हैं कि यार नहीं मुझे ये काम नहीं करना, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, पर रियलिटी में तो हम कंटिन्यूस होते हैं उस चीज़ में. तो इट्स ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस. अगर आपके लिए आपका विजन क्लियर है कि यार मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हम क्या करते हैं ना, हम स्टडीज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है, जो कि बेटर ट्रूथ भी है, कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें 80-90% आपके कभी काम नहीं आएगा ज़िंदगी भर. जो भी किताबें आप पढ़ रहे हो, मैं खुद केमिस्ट्री की एजुकेटर हूँ, मैं चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिक्स मैथ्स जो भी है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप क्रैक करने के लिए जो चीज़ पढ़ रहे हो उसकी आपकी ज़िंदगी में 90% तक कोई काम का नहीं है. तो इसलिए हमें लगता है यार हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर वी स्टडी, हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं होती. तो जब तक आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं होगी तब तक आप उसमें कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाओगे. जस्ट लाइक रिवर, जैसे रिवर चलती रहती है वैसे ही हम पढ़ाई में भी चलते रहें. तो कंसिस्टेंसी हमारी क्यों ब्रेक होती, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है. जब तक आपके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होगी तब तक आप कंटिन्यूसली उसको नहीं कर सकते. तो इम्पॉर्टेंस को रखने के लिए हमें क्या करना है, देखो IITs में तो तुम्हें जाना है, IIT जैम तो तुम्हें क्रैक करना है, पर उसके पीछे जो पढ़ना है वो पढ़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है. हम पढ़ना नहीं चाहते पर हमें एग्जाम क्रैक करना है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ हमारा इम्पॉर्टेंस. हमको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए. जब तक आपका सिर्फ ये एम होगा ना कि यार क्रैक करना है, तो आपको चीज़ें ऐसे लगेंगी कि यार चलो पता नहीं, मतलब यू विल नॉट बी यू नो मोनोमैनिकली फोकस्ड. तो अब कंटिन्यूटी के साथ पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए. जैसे कि एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, एलन मस्क का. तो उनकी सोच क्या थी, उनका विजन, की बिब्लियोग्राफी में एक लाइन लिखी हुई है, क्या I want to die in Mars. What does it mean? कोई सोचेगा यार, what does this mean? I want to die in Mars क्या मतलब है? तो इसके पीछे, इस लाइन स्टेटमेंट के पीछे जो लॉन्ग टर्म विजन है उनका, वो ये है कि जब मैं अपने स्किल से, अपने टैलेंट से इस तरह से दुनिया को बना दूंगा या कोशिश करूंगा बनाने का कि मार्स में भी जीवन हो और मैं वहां जाऊं,
रहूं और वहीं पे मेरी अंतिम सांसें चलें, तो ये एक विजन है। अब इतना अगर हमारा भी एक विजन है तो उस विजन को पूरा करने के लिए हमें कोई इंस्पिरेशन या कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे कंटिन्यूसली पढ़ सकूं, वो तो मेरा एक विजन हो गया ना, और उस विजन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो ऐसे ही आपका एक विजन होना चाहिए। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है कि आप कैसे करोगे, तब तक आप नहीं जा सकते। तो इसी बुक में मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, इसी बुक में मैंने पढ़ा था कि कैसे आप उस विजन को अलाइव कर सकते हो। ऐसी एक और बुक है बाय ब्रायन ट्रेसी। तो ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है जो वो बोलते हैं, जिसमें कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, मतलब जो भी आपको चाहिए, जैसे अभी आपको आईटी जैम क्रैक करना है, आपको जैम क्रैक करके कहाँ जाना है, आईटीज में जाना, आईटीज के बाद क्या एक्स वाई जेड करना है, जो भी है। तो जो भी आपका विजन है, उस विजन को ना आज में जियो, फील एज इफ कि इट आपका वो एक्वायर हो गया। मान लो तुम्हें आईटी जैम टॉप रैंक ही वन बनना है, फील एज इफ आपने जैम क्रैक कर लिया। जैम क्रैक करने के बाद आपको कैसी फीलिंग्स आ गई, आप जैम क्रैक करने के बाद आपने क्या क्या अचीव किया, आपने क्या किया, कितने लोगों की मदद की, आपकी फैमिली का कैसा वातावरण है, आपको ये सब चीजें ना विजुलाइज करनी पड़ेगी, आपको ये चीज जीनी पड़ेगी आज में। अगर आप आज में जियोगे तो कल को वो आपको मिलेगा। अब उसके लिए हमें विजुअलाइज करना पड़ता है। विजुअलाइज करने का सही समय है सुबह मॉर्निंग के बाद एंड रात को सोने से पहले। जो भी आपका अल्टीमेट गोल है, कंटिन्यूअसली आप अपने आप करोगे अगर आपका विजन क्लियर होगा तो आपको करना है विजुअलाइज। अब विजुअलाइज में कैसे करना है कि जिसमें आप अपनी जो भी आप चाहते हो, जैसे आप किसी आईएएस के रूम में देखोगे, अगर कभी जाओ तो आप आईएएस के रूम में देखोगे दीवारों पे सिर्फ और सिर्फ आईएएस की तस्वीरें होती हैं, या ऐसा लिखा होता है आई एम आईएएस विद टॉप ऑल इंडिया रैंक दिस दिस दिस, इस तरह से वो लिख के रखते हैं। इसका क्या कारण है, कभी जाके इन्विजिलेट करो किसी आईएएस का कमरा जो ऑलरेडी आईएएस बन चुका है या बनने वाला है, बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि वो क्रैक कर लेता है। रीजन क्या है, विजुअलाइजेशन, राइट, अफर्मेशन। सो इस चीज को यूज करके वो करते हैं, बट सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विजुअलाइज बैठ के मैं सपने देखूंगा और मेरा पूरा हो जाएगा, पढ़ाई के साथ, कंटिन्यूअसली पढ़ाई के साथ। और पढ़ाई कंटिन्यूअसली कैसे होगी, जब आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होगा। जब तक लॉन्ग टर्म विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर ही नहीं सकते। एंड दूसरी बात होता है अंडरस्टैंड योर कैलिबर, अपने आप को पहचानो कि मैं किस हद तक कर सकता हूँ। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपनी वीकनेस पे फोकस करते हैं, और एज देयर इज अ सेइंग दैट वेयर सो एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रोज, दैट जहां पे भी आपकी एनर्जी चली जाएगी वहां पे ही जिंदगी पैदा होने लग जाएगी। जहां पे भी आप एनर्जी डालोगे वहां पे वो चीज ग्रो करती है। तो आप पूरी जिंदगी भर अपने नेगेटिव्स पे, अपने ड्रॉबैक्स पे, अपने फेलियर्स पे रोते रहते हो, इसी वजह से वो ही चीज एक्सपैंड होता रहता है एंड मैग्निफाई होता रहता है। तो आपको अपनी वीकनेस पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के उस स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेस को खत्म कर देना, एकदम कत्ल कर देना है अपनी वीकनेसेस का यूजिंग योर स्ट्रेंथ। अगर आपका लक्ष्य है, आपका एम है इस काम को करने से आपकी जिंदगी सुधरने वाली है, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को तहे दिल से करना और अपनी तरफ से गिव योर लेवल बेस्ट। होता ना होता लीव इट, होगा बहुत बढ़िया, नहीं होगा और भी बढ़िया, नहीं होगा तो और कुछ, उससे भी कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको जिंदगी में, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, कंटिन्यूटी मेंटेन करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही मात्र सहारा है, दैट इज लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपको पता है जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, द व्हाई बिहाइंड योर वर्क इज क्लियर। वो कहते हैं ना कि व्हेन व्हाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी, मतलब अगर आपको पता है कि मुझे क्यों करना है तो कैसे करना है हो जाता है। कैसे पे ध्यान नहीं देना होता, हमें देना होता है क्यों करना है। तो अगर तुम्हें आईटी जाना है, बैठो जाके अपने रूम में अकेले सॉलिट्यूड में बैठो और अपने आप से पूछो, भाई क्यों जाना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और जाना भी है या बस बाकी लोग 10 मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, या मेरे मामा का बेटा निकल गया आईटी में, या मेरा चाचा का बेटा चला गया तो मेरे को भी जाना है। ऐसे जाना है तो रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप किसी और को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स, बिकॉज जब तक आपको आपका नहीं पता ना कि मुझे जाना है, अगर आपकी ड्रीम नहीं है, वो किसी और की है, तो वो आपको नहीं मिलती है, बिकॉज वो उनका ऑब्सेशन है, उनकी अकम्प्लिशमेंट्स है, उनकी वर्किंग्स है, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। तो बी अ ओरिजिनल वर्सन वर्जन ऑफ योरसेल्फ, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम।